हमारे साथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जरा जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत कीजिए। इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। अजय कुमार जी जुझारू नेता, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन सींचने का कितना काम कर पाए हैं अजय कुमार लल्लू जी, आइए जरा जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना, और अजय कुमार लल्लू जी का पूरा जो तारुफ है वो रोमाना ने करा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी ताकत से लगे हुए हैं एक नई जान फूंकने में कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे ये उनसे आगे हम पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा अजय जी आपसे ये है कि आप मुख्यमंत्री या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की, कौन है चेहरा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चेहरे को डिसाइड करने का फैसला है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव हैं, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, रोज सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, जनता की आवाज बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के इस सरकार के विफलताओं के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज बन रहा है। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जनवरी से लेकर और अभी तक, अगस्त का महीना खत्म होने को है, दो बार दौरा हुआ है प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में, इस तरह से जंग लड़ रही हैं वो जनता की? शायद आप भूल रही हैं, अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़क पर बैठकर आंदोलन किया था, गिरफ्तार हुई, दो दिन तक सरकार ने पूरी घेराबंदी की, किले की तरह उनको घेरा, लेकिन उन्होंने जिद रखा कि जब तक उन पीड़ित परिवार के लोगों से मिलूंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ी, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब तक उनके परिवार के लोगों से मिली नहीं, उनकी न्याय को दिलाने का काम नहीं किया, तब तक उठी नहीं। ये है प्रियंका गांधी। आपको याद होगा कि अगर उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, शाहजहांपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी खुद चलकर उनके घर गई, उनकी आवाज को उठाया और सड़कों पर संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ये चेहरा प्रियंका गांधी होंगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जब जब उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज हुई है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया। की बात कर रही हूं, मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लाठी का है, आपको याद दिलाना चाहती हूं, आंदोलन किया और उन्होंने ये तय किया, तीन दशक हो चुके हैं कांग्रेस अपनी जमीन तक नहीं बना पाई है, जो खोई हुई उसकी छवि थी उसको नहीं उत्तर प्रदेश की जनता में स्थापित कर पाई है, मैं उसकी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कहाँ है कांग्रेस आज की तारीख में? देखिए, कांग्रेस लोगों के दिलों में है, विश्वास में है, भरोसे में है, गांव में है, खेत में है, खलियान में है, नौजवानों के दिलों में है। अगर दिल में है, विश्वास में है, तो वोट में क्यों नहीं परिवर्तित हो रहा वो प्यार? बहन जी, बड़े आदर के साथ आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस विचारधारा है, और जो आप बात कर रही हैं तीन दशकों की, आज उत्तर प्रदेश की भले पांच विधायकों की पार्टी है, लेकिन सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है, और यह दावा है, मैं बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूं, दावा है, सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, किसानों की आवाज उठाते हुए, नौजवानों की आवाज उठाते हुए, महिला सुरक्षा की आवाज उठाते हुए, तीन दिन से लेकर तीन महीने तक जेल की यात्रा कांग्रेस के 20,000 कार्यकर्ताओं ने किया है। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस की जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं एक विचारधारा है, क्या उस विचारधारा को भारत की जनता ने, मैं उत्तर प्रदेश से ऊपर निकल रही हूँ क्योंकि लोकसभा में भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा, क्या उस विचारधारा को नकार दिया है? और अगर नकार दिया है तो क्या वजह आप देखते हैं? क्या लीडरशिप की कमी है, या जो कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की वो है वो नहीं हो पा रही है, या जो युवा नेता आपकी पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, त्याग, समर्पण और बलिदान की लंबी कहानी है, उसकी गाथा है। जो आपने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में तीन दशकों से कांग्रेस पार्टी नहीं है, 32 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई, गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश के बनाए बुनियाद के ही तो ईंट को निकाला है, लूटा है, खसोटा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज 32 साल पहले थी, कल कारखाने बनाए, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में थी, बुनकरों के लिए योजना लाई, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी तो पीतल उद्योग,
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी उस इतिहास तो भदोई के लिए कारपेट, वो जो इतिहास कांग्रेस आपने बनाया उस, तो उसके बल पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश खाएंगे? में थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी तो फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, आगरा और कानपुर पहले हो चुके हैं, आगरा और कानपुर के जूता उद्योग को बनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ राजनीति में बुरे दिन और अच्छे दिन आते रहते हैं, ये एक दौर है, राजनीति किस कभी अस्थाई नहीं आप होता। आप ये भी समझिए ना कि जो काम आपने किए जनता ने आपको सर आंखों पे रखा अजय जी, लेकिन अब उस बोई हुई फसल को अगर आप कहेंगे कि आज काटो तो जनता तो भूल चुकी है ना, क्योंकि अभी तो जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जनता ने नहीं भूला, जनता ने सबको मौका दिया और 32 सालों तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और भाजपा को मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश में क्या है, तो अब चीनी मिल 2022 में पड़ी है, मौका देगी उत्तर प्रदेश की जनता? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जनता आशीर्वाद देने जा रही है कांग्रेस को और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2014 में आपकी इतनी सीटें कम, 2019 में एक लोकसभा की सीट हो गई, सिर्फ सोनिया गांधी जीत पाई, राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष वो हार गए, इतना आप अति उत्साहित हैं 2022 को लेकर, इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा? मैंने आपसे क्या कहा, सरकारें आती हैं जाती हैं, संख्या कम होती है, लेकिन आपको यह तराशना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि संख्या न होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज कौन है। चलिए आगे, आज उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार के खिलाफ मेरे ऊपर सैकड़ों से अधिक मुकदमा इस सरकार ने लिखा है, 80 बार से अधिक गिरफ्तारी की है, 3 बार जेल की सलाखों में डाला है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डाला है, लाठियों से पीट कर लहूलुहान किया है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता निडरता के साथ एक एक कार्यकर्ता चलिए ठीक है आगे बढ़ूंगी। ऐसा अजय कुमार लल्लू जी ने क्या कर दिया कि इतना बड़ा कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा ही छोड़ के चला गया? मैं जितिन प्रसाद का जिक्र कर रही हूं। मैं समझता हूं जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा वो लोग पार्टी में नहीं रह सकते, पर वजह तो कुछ और निकल कर सामने आई। और आपने जिसकी बात की, पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2 बार मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, उनके परिवार की पहचान बनाई, और जिसकी पहचान कांग्रेस की थी, जिसकी ईमान कांग्रेस की थी, जिसका पूरा सब कुछ कांग्रेस का था, वो कांग्रेस को छोड़कर चला जाए तो ये स्वार्थ नहीं। लेकिन इसके पीछे अजय कुमार लल्लू का हाथ है, वो तो कहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और आपने बनने नहीं दिया। देखिए मैं एक गांव का आदमी हूं, अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, मेरे बिरादरी के लोग गांव में भूजा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, खुमचा बेचते हैं, और अगर आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सिपाही को, कांग्रेस के सिपाही को अध्यक्ष बनाया तो मुझे तो नहीं लगता किसी लेकिन को तकलीफ आरोप है। है कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, गांधी परिवार से ऊपर ही आगे निकल ही नहीं पाते आप लोग। आप यह देखिए गांधी परिवार के त्याग और समर्पण की लंबी कहानी है, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आदरणीय राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, और देश में एकमात्र सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो इस सरकार के दमन के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सर्वमान्य नेता, चाहे वो 3 काले कानून के मुद्दों पर, चाहे वो महंगाई के मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दों पर, अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आदरणीय राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को त्याग दिया है अजय कुमार लल्लू जी का कार्यकर्ता। मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ, राहुल गांधी ने क्या उत्तर प्रदेश को पूरी तरह त्याग दिया है? अमेठी में हार क्या मिली कि उत्तर प्रदेश आना ही छोड़ दिया? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी हमारे दिलों में है, विश्वास में है, भरोसे में है, उत्तर प्रदेश नहीं देश के एक एक कार्यकर्ता हूँ। बातें बहुत भावनाओं है राहुल गांधी, लेकिन दिलों में आपके है ना, आप कांग्रेसी कार्यकर्ता है, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है। अजय जी आप कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप नेता है कांग्रेस के, आपके दिल में हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन इस प्रदेश की जनता चाहती है कि अगर कांग्रेस को वोट देना है तो उसके नेता, बड़े नेता यहाँ आए, इस जमीन पर आए और बताएं कि वो क्या करेंगे तब उनको वोट दें। मैं समझता हूँ, खुद आपकी जो भी एक नेता थी इसी मंच पर बैठी थी अदिति, वो भी यही कह के गई। मैं समझता हूँ कि आपने अभी पिछले दिनों नहीं देखा, 3 दिन का प्रवास था, जय भारत महासंपर्क अभियान चला। अब पता कर लीजिए, आप तो मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। एक एक नेता कार्यकर्ता 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में रहा,
90 लाख लोगों से सीधा संवाद किया, गांव में रहा, गांव के बीच में रहा, लोगों के बीच में रहा। अजय जी, इस युवा नेता के अंदर वो चुंबकीय शक्ति क्यों खत्म हो रही है कि सारे युवा नेता छोड़ छोड़ कर कांग्रेस को जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, झूठ की बुनियाद बड़ी लंबी नहीं होती है, ना झूठ का कोई उम्र होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होर्डिंग पोस्टर और बैनर की सरकार है। मेट्रो पर देखिएगा बड़े बड़े होर्डिंग, शहरों में देखिएगा बड़े बड़े होर्डिंग, और विकास का मॉडल देखना है तो योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर चले जाइए, जहां हर तीसरे दिन आते हैं, हर तीसरे दिन हेलीकॉप्टर नचाते हुए जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से वहां पहुंचते हैं, और वहां के मोहल्लों में टोलों में पानी लगा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गांव गांव के किसान टार्च और लाठी लेकर अन्ना जानवरों का पहरा दे रहे हैं। इतनी कमियां, ये है उत्तर प्रदेश का मॉडल, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल है, इसी उत्तर प्रदेश के मॉडल, योगी जी हर मोर्चे पर विफल है, भाषण वीर, बयान वीर, और झूठ के पुलिंदा है योगी जी। ठीक है, मैं अब जातीय जनगणना पे आना चाहूंगी। 2011 में जातीय जनगणना हुई लेकिन उसका आंकड़ा नहीं बाहर आया। इस बार जातीय जनगणना को लेकर हालांकि कांग्रेस शामिल हुई है, जो प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, क्या स्टैंड है? क्योंकि आप खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद आपने स्टैंड पिछले समयों में देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना कराई थी और यूपीए की सरकार थी, उस समय जातीय जनगणना हुई थी। दुर्भाग्यवश जनता ने जनादेश हमें नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और जातीय जनगणना के सारे बिंदुओं को उन लोगों ने पूरी तरह छुपा लिया और उस जातीय जनगणना को बाहर नहीं आने दिया। कांग्रेस पार्टी शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रही है और कांग्रेस का स्टैंड आदरणीय राहुल गांधी जी ने, अगर पिछड़ों पर अन्याय हुआ है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, अगर पिछड़ों पर दलितों पर अन्याय हुआ है आदरणीय राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है। दलित और मुस्लिम वोट तो आपसे छिटक गया है, ये तो आप बखूबी जानते हैं, आपकी नजर ब्राह्मण वोट पर है। आप कह रहे हैं, अब यही तो सच है, आंकड़ा तो यही निकल कर आया, जितना परसेंट आपको वोट चाहे लोकसभा में मिला हो, चाहे पिछले विधानसभा के चुनावों में, 6 विधानसभा के चुनावों में आपको मिला हो। आंकड़े बदलते रहते हैं और समय आ रहा है और पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन इस सरकार के महंगाई के खिलाफ, किसान विरोधी के खिलाफ, रोजगार विरोधी के खिलाफ, इस बार कांग्रेस देश में भी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएगी, इस मंच से मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। चलिए, बड़े हमारी शुभकामनाएं, आप बनाइए, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, आप सत्ता में आए तो भी मजबूत रहे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी तो नजर सवर्ण वोट पर है ना, आप तो ब्राह्मण वोट पर टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी को बढ़ा चढ़ाकर उत्तर प्रदेश में उतारा भी गया, उस चेहरे की चर्चा भी हुई कि शायद वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, हालांकि आप खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर जातीय जनगणना से आप कैसे ओबीसी वोट? कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जात की पार्टी है, कांग्रेस नीति बनाने पर भरोसा करती है। मनरेगा अगर दिया तो सबके लिए दिया, अगर भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा बिल दिया तो सबके लिए दिया, सूचना का अधिकार दिया तो सबके लिए दिया, शिक्षा का अधिकार दिया तो नीति बनाया इस देश के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस ने अगर MSP दिया, मैं मान भी तो इस देश के हर एक वर्ग के लिए दिया। देश का वोटर आपको नकार रहा है, लगातार नकार रहा है, हर जगह नकार रहा है, ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस ने अगर जात की राजनीति की रहती तो ये स्थिति नहीं रहती। कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है और जात की राजनीति करने वाले बस चंद दिनों के मेहमान है, अब जनता ने उनको घंटी दिखा दिया है, वक्त से किसकी रिश्तेदारी है। चलिए ठीक है, बड़े बड़े दावे जरूर अजय कुमार लल्लू जी इस मंच से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है? आखिरी सवाल जवाब दीजिए फिर। देखिए, ये कहना आप ही कह रहे हैं, बोलापन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट से अधिक नहीं जीत पाएगी, पूरी ताकत लगा ले, एनर्जी लगा ले, अपनी सीट बचा ले और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के साथ कर रहा हूं, अपनी भी तो बचाइए। गुस्सा तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा ना, विधायक और सांसदों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ठीक ये है। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो अजय कुमार लल्लू जी अपनी सीट तो नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा में कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि भाजपा 30 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी, यानी 30 सीटों पर सिमट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार लल्लू जी, हमारी शुभकामनाएं आपको। ABP News आपको रखे आगे।